Let's now also listen into what the Chief Minister of the state of Maharashtra, Eknath Shinde, has said with regards to this very horrific shooting. की याच्यावर गोळीबार झाला, अतिशय दुर्दैवी घटना आहे आणि त्या संदर्भात मी डॉक्टरांशी अगोदर बोललो होतो आणि पोलीस आयुक्तांशी बोललो. त्यामध्ये दोन आरोपी अरेस्ट आहेत, एक यूपीचा आहे, एक हरियाणाचा आहे आणि एक आरोपी फरार आहे. झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे. मी पोलिसांना निर्देश दिलेले आहेत की मुंबईमध्ये कुठल्याही परिस्थितीत कायदा सुव्यवस्था कोणी हातात घेता कामा नये, गँगवार वगैरे कोणी डोकं वर काढता कामा नये, याच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे. कठोर कारवाई करण्याच्या मी सूचना दिलेल्या आहेत आणि पोलिसांची कायदा सुव्यवस्था राखण्यामध्ये मुंबई पोलिसांचं नाव आहे आणि त्यामुळे या आरोपीला तात्काळ पकडतील आणि त्याच्यावर कडक कारवाई करतील. तिन्ही लोक जे आहेत यांच्यावर, बाबा सिद्दीकी यांच्यावर जो हल्ला केलेला आहे, या हल्ल्यासंदर्भात तात्काळ यांच्यावर कठोर कारवाई होईल आणि कठोर काही कारवाई करण्याचे निर्देश मी दिले. सर, दोन आरोपी, बाबा सिद्दीकी याच्यावर गोळीबार झाला, अतिशय दुर्दैवी घटना आहे आणि त्या संदर्भात मी डॉक्टरांशी अगोदर बोललो होतो आणि पोलीस आयुक्तांशी बोललो. त्यामध्ये दोन आरोपी अरेस्ट आहेत, एक यूपीचा आहे, एक हरियाणाचा आहे आणि एक आरोपी फरार आहे. झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे. मी पोलिसांना निर्देश दिलेले आहेत की मुंबईमध्ये कुठल्याही परिस्थितीत कायदा सुव्यवस्था कोणी हातात घेता कामा नये, गँगवार वगैरे कोणी डोकं वर काढता कामा नये, याच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे. बाबा सिद्दीकी की हत्या एक चिंता की बात है. सरकार ने एक स्पेशल टीम बनाकर इसकी जांच करनी चाहिए. गहरी साजिश दिखाई दे रही है, जो भी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए. हमारे शहर मुंबई में अगर पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं है, तीन तीन बार के विधायक जो पहले मंत्री भी रह चुके हैं, जो सरकार के साथ हैं, जिनका पुत्र अभी स्वयं वर्तमान में विधायक है, पूरी की पूरी सरकार उनके पास है, अगर ऐसे लोगों की जान सुरक्षित नहीं है तो यह सरकार आम आदमी को सुरक्षा क्या देगी. अगर अपने विधायक को, अपने पूर्व मंत्रियों को ये सरकार के लोग कानून व्यवस्था के दायरे में रखते हुए सुरक्षित नहीं कर सकते तो गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, आप इस्तीफा दीजिए. आपको एक पल भी गृह मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है. एकनाथ शिंदे जी, आपको मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है. बाबा सिद्दीकी और मैं 35 साल से एक दूसरे को जानते हैं और दोनों ने सुनील दत्त साहब के साथ काम किया. उनके कई इलेक्शन में हमने साथ में भागदौड़ किया है. दोनों विधायक रह चुके हैं और ये दुखद जो घटना घटी है उसका मैं निंदा करता हूँ. लेकिन इसमें कोई मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है. जो इशू है वो शायद कोई पर्सनल SRA का कोई इशू है, जैसे हमारे सामान्य मुख्यमंत्री साहब एकनाथ शिंदे जी ने कहा है. और इसकी गहरी तहकीकात होनी चाहिए और ये हमारी मांग सरकार से रहेगी. और जो भी विधायकों को पुलिस प्रोटेक्शन देना है वो मुंबई पुलिस करे. पहले जब टेटिंग आती है इस तरीके की तो गवर्नमेंट ने एक सिक्योरिटी देने से नहीं होता है. किसकी तरफ से आ रही है, कौन इस तरीके से बात कर रहा है, ये समझने के बाद उसका सीरियसनेस गवर्नमेंट के पुलिस डिपार्टमेंट के ख्याल में आ जाना चाहिए था. बाहर से और ऐसे व्यक्ति पर क्या वजह हो सकती है कि किसी शार्प शूटर के जरिए और यहाँ पर उन पर जो है फायरिंग की गई, इस वारदात को अंजाम दिया गया. हालांकि दो लोगों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है, पुलिस अपनी पूछताछ कर रही है और कई सारे आला अधिकारी, जैसे हमारे सहकारी दीपेश भी बता रहे थे, इस केस पर पूरी ताकत से लगे हुए है और जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि अब बांद्रा ईस्ट के जो खेरवाड़ी जंक्शन है वहाँ के आसपास के जितने CCTVs है वो CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और लगातार ये कोशिश जारी है कि आखिरकार वो लड़के कौन थे, वो संदिग्ध अपराधी कौन है जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है. लेकिन आपको दिखा दे, यहाँ पर भीड़ जो है, खास तौर पे जो युवा समर्थक है बाबा सिद्दीकी, जिशान सिद्दीकी के, वो काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और
सभी को यहाँ पर जो है जानकारी चाहिए कि आखिरकार क्या हुआ, कौन थे वो लोग, और काफी दिक्कत हो रही है पुलिस प्रशासन को भी कि यहाँ पर इस भीड़ को जो है यहाँ से हटाया जाए या काबू में लाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं भावुक होते दिख रही है भीड़। और ये पूरा एरिया जो है बांद्रा वेस्ट का, जो कि बहुत ही पॉश माना जाता है, हाई प्रोफाइल माना जाता है, इस हाई प्रोफाइल इलाके में अब पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है पूरा एरिया, ताकि लोग इतनी बड़ी संख्या में है कि यहाँ पर अब वेहिकुलर जो मूवमेंट है वो भी नहीं हो सकती। Visuals that you are seeing on your screens are coming in from the Leelavati Hospital. People have started to come out. People have started to actually come out in large numbers. And now the Deputy Chief Minister of the State of Maharashtra, Devendra Fadnavis, who also holds the home portfolio, is inside Leelavati Hospital. Parth Pawar, who's the son of Ajit Pawar, he's currently en route to the city of Mumbai. The Deputy Chief Minister, Ajit Pawar, in fact, has cancelled all his scheduled programs for tomorrow, and he will also be shortly reaching the Leelavati Hospital. From what we are understanding, Sanjay Dutt, a very close friend of Baba Siddiqui, is already inside the Leelavati Hospital. We are expecting members of Salman Khan's family. They will also be coming and meeting the family members of Baba Siddiqui at the Leelavati Hospital. It was Baba Siddiqui who was credited with ending the very high-profile fight between Shah Rukh Khan and Salman Khan. Fight began in 2008 and it ended in 2013 at the iftar party of Baba Siddiqui. Politically, questions are now being raised